everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. Let's start the class. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनरल एंट्रीज. आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, क्योंकि जनरल एंट्रीज हमारी अकाउंटिंग का रूट है. इसके बिना, जनरल एंट्रीज के बिना अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है. आगे वाले जितने भी चैप्टर हैं आपके, लेजर पोस्टिंग हो, ट्रायल बैलेंस मेंटेन करना हो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग बैलेंस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब जो भी आप पढ़ने वाले हो, ये सब आप तभी पॉसिबल है समझ पाओगे अगर आपको जनरल एंट्रीज आती होंगी. जनरल एंट्रीज अकाउंटिंग का रूट है, उसका बेस है. इसके बिना अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है. तो प्लीज मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ है. कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी आप फॉलो करके मुझसे अपनी क्वेरीज को, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट द क्लास. जनरल एंट्रीज. जनरल एंट्रीज की थ्योरी पे तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. आज हम पढ़ेंगे इसका प्रैक्टिकल पोर्शन कि कैसे एक्चुअली में जनरल एंट्रीज पास होती है, कैसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जनरल एंट्रीज को पास करते हैं, ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्रीज करते हैं. तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग. रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग जो है, ये रूल्स है 3 जिस बेसिस पे हम अपनी अकाउंटिंग को करते हैं, हम अपनी जनरल एंट्रीज को पास करते हैं. ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है जिस बेसिस पे एक्चुअली में कह सकते हो पूरी अकाउंटिंग होती है, क्योंकि बिना जनरल एंट्रीज के अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं और इन बिना रूल्स के जनरल एंट्री पॉसिबल नहीं. तो पहला रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट. पहला अकाउंट जो है हमारा, पहला रूल जो है वो कह रहा है पर्सनल अकाउंट का कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. जो भी रिसीव करेगा उसको हम डेबिट कर देंगे, जो भी गिवर या प्रोवाइडर होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, अब मैं आज की क्लास में आपको 3 बेसिक रूल्स की अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज पास करना बताऊंगी. पहले पर्सनल अकाउंट के ट्रांजेक्शंस की, देन रियल अकाउंट एंड देन नॉमिनल अकाउंट. तो अब हम देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट में हम ट्रांजेक्शंस की जनरल एंट्रीज कैसे पास करते हैं. गिव रुपीज 2000 टू गोपाल. गेव रुपीज, अब हम जो भी एंट्रीज पास करते हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, क्योंकि ये आप पहले पढ़ चुके हो अपने बेसिक्स प्रिंसिपल्स पे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से, कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसमें ये बताया जाता है कि बिजनेस और ओनर दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट होगा. वो डिफरेंट है, वो दोनों एक पर्सन, मतलब उनका ट्रीटमेंट एक साथ नहीं हो सकता है. वो डिफरेंट है ओनर से. बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम ओनर. ठीक है, अब एज अ ओनर वो अपनी अकाउंटिंग कर सकता है, पर बिजनेस अपनी खुद की अकाउंटिंग नहीं कर सकता. तो हम यहाँ जो भी अकाउंटिंग करते हैं, जो भी जनरल एंट्रीज पास करते हैं, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं. ठीक है, तो पहले ट्रांजेक्शन हमें कहा गया है गिव रुपीज 2000 टू गोपाल, और रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो रिसीवर कौन है यहाँ पे, यहाँ पे रिसीवर गोपाल है, तो डेबिट कौन होगा, गोपाल. और क्रेडिट में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसको, गिवर कौन है, मतलब प्रोवाइड क्या मिल रहा है उसको, गोपाल कैश मिल रहा है, कितना, 2000. तो देखो जैसा कि यहाँ पे फॉर्मेट है, फॉर्मेट में भी ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, डेट पर्टिकुलर से, जो फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. अब हम यहाँ पे जनरल एंट्रीज को पास करेंगे. तो पहला डेट कॉलम है, डेट कॉलम में हमें ट्रांजेक्शन में कोई डेट नहीं दी हुई है, इसलिए यहाँ पे हम कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे. अब हम करेंगे जनरल एंट्रीज. बोला जा रहा है गिव रुपीज 2000 टू गोपाल. गोपाल रिसीवर है और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. किसका रूल है, पर्सनल अकाउंट का. तो रिसीवर कौन है, गोपाल. तुम क्या लिखेंगे, गोपाल अकाउंट डेबिट. डेबिट ऐसे लिखते हैं, ये फॉर्मेट है, ये तरीका है, ये आर्ट है जिस बेसिस पे, इसीलिए इसको जनरल अकाउंटिंग को आर्ट भी बोला जाता है कि गोपाल अकाउंट डेबिट कितना, 2000. डेबिट अमाउंट पे कितना आ जाएगा, 2000. पहले नाम लिखेंगे रिसीवर का, फिर हम ए ऑब्लिक सी, यानी कि अकाउंट जो भी डेबिट हो रहा है, अकाउंट डी आर डॉट, इसका सिग्निफिकेशन है कि ये जो है डेबिट हो रहा है. फिर डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट पे कुछ होगा, क्रेडिट क्या होगा, यहाँ पे कैश होगा. कैश क्यों होगा, क्योंकि जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसको, वो क्या कर रहे हैं, कैश प्रोवाइड. तो क्या होगा, 2. जब भी हम जनरल एंट्रीज में क्रेडिट करते हैं कुछ, तो थोड़ा स्पेस दे के लिखते हैं पहले 2, फिर अकाउंट का नाम, 2 कैश अकाउंट. कितना, LF में कुछ भी नहीं आएगा, डेबिट क्रेडिट अमाउंट में कितना आ जाएगा, 2000. ठीक है, डेट का तो मतलब समझ आ गया कि जिससे जो ट्रांजेक्शन होगा, हमने जनरल एंट्री पास की उसकी डेट आ जाएगी. पर्टिकुलर्स में हमने जनरल एंट्री पास की, LF का मतलब
मतलब है यहाँ पे लेजर फोलियो। ठीक है, लेजर फोलियो का मतलब होता है कि जब हम बहुत सारी एंट्रीज कर लेंगे पूरे मंथ की पूरे ईयर की, तो इन सब का अकाउंट बनेगा। ये लेजर अकाउंट हम पढ़ेंगे आफ्टर जनरल एंट्रीज चैप्टर के बाद। पहले हम जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासीफाई क्या, लेजर पोस्टिंग होती है एक तरीके से। और लेजर पोस्टिंग में जो जिस पेज में गोपाल का अकाउंट बनेगा, जिस पेज में गोपाल का अकाउंट बना होगा, लेजर बना होगा, उस पेज नंबर को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। क्या होता है कि फ्यूचर में अगर हमें कोई जनरल एंट्री देखनी हो या कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो, तो हम बहुत इजीली कनेक्ट कर ले जाते हैं, इजीली हम पकड़ लेते हैं कि किस पेज में कौन सा अकाउंट बना है, हमने कहाँ कहाँ से जनरल एंट्री की है। तो बहुत ईजी हो जाता है हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ठीक है गाइस, तो आपको ये तो सब कॉलम्स का मतलब समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब देखेंगे हम जो जनरल एंट्री की है कि अभी भी इनकम्प्लीट है। अब आप कहोगे डेबिट भी कर दिए, क्रेडिट भी कर दिए, इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मिसिंग है, वो है नरेशन। पहले हम अकाउंट को डेबिट किया, क्रेडिट किया, अब हम यहाँ पे लिखेंगे नरेशन। अब नरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले ये देखो कि नरेशन लिखते कैसे हैं। आप हमेशा नरेशन की स्टार्टिंग पहले वर्ड बीइंग यूज करोगे, बीइंग, कैश पेड टू गोपाल। ठीक है, अब ये जनरल एंट्री कंप्लीट हुई है। पहली वाली गिव रुपीज 2000 टू गोपाल की जनरल एंट्री अब कंप्लीट हुई है। क्या एंट्री हुई है? गोपाल अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000, बीइंग कैश पेड टू गोपाल। अब मैं आपको इम्पोर्टेंस बताती हूँ नरेशन की। पहली बात तो बिना नरेशन की आपकी जनरल एंट्री गलत होगी, भले आपने अकाउंट डेबिट क्रेडिट सही किया हो, बट आपको मार्क जीरो मिल जाएंगे क्योंकि नरेशन मिसिंग है। विदाउट नरेशन जनरल एंट्री इनकम्प्लीट मानी जाती है। नरेशन इसलिए लिखा जाता है ताकि अगर कोई भी नॉन अकाउंट स्टूडेंट पर्सन या कोई नॉन कॉमर्स फील्ड का स्टूडेंट जब इसको पढ़े, तो उसको समझ में आ जाए कि एक्चुअल सेंस गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट का क्या बनता है। इवन किसी अकाउंटेंट को भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए थोड़ा यूजफुल हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास बल्क में जर्नल एंट्रीज होंगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है समझने के लिए कि जर्नल एंट्रीज का क्या सेंस बन रहा है क्या। इसलिए नरेशन आपको हिंट देता है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमने इस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री पास की है। अब बहुत लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये नरेशन में कैश पेड टू गोपाल कैसे पता चलेगा, क्या लिखना है? अगर आप बिल्कुल क्लूलेस हो, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टार्टिंग हमेशा बींग से करोगे नरेशन की। बींग गेव रुपीज 2000 टू गोपाल, आप एज इट इज ट्रांजेक्शन को भी लिख दोगे बींग से स्टार्ट करके, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पर स्टूडेंट्स इस बात को याद रखिएगा कि बिना नरेशन के जर्नल एंट्रीज इनकम्प्लीट है। अब हम आते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन में। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, रिसीव्ड रुपीज 5000 फ्रॉम गोविंद। क्या बोला जा रहा है कि हमें 5000 रुपए मिले किससे, गोविंद से। किसने हमें प्रोवाइड किया, गोविंद ने। तो इसका मतलब क्रेडिट में कौन जाएगा, गोविंद, क्योंकि रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है यहाँ पे, गिवर है गोविंद, तो यहाँ पे गोविंद क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सेकेंड जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, अब रिसीव रुपीज 5000, बिजनेस के पास 5000 आ रहा है, यानी कि कैश है, यहाँ बैंक किश भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट कितना होगा 5000 टू, हमेशा याद रखिएगा क्रेडिट में हम स्टार्टिंग से करते हैं, टू गोविंद अकाउंट रुपीज 5000। ठीक है, फिर नरेशन आएगा हमारा, नरेशन कैसे आएगा, बी कैश रिसीव्ड रुपीज 5000 फ्रॉम गोविंद। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों ट्रांजेक्शन की फिर से जनरल एंट्री देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कह रहा था गिव रुपीज 2000 टू गोपाल, हमने 2000 रुपए गोपाल को दिए, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन है, गोपाल, इसलिए गोपाल अकाउंट को हमने डेबिट किया टू कैश अकाउंट, कैश आ रहा था, कैश पे किया हमने। फिर नरेशन लिखा बींग कैश पे टू गोपाल। फिर सेकंड जनरल एंट्री हमें कहती है रिसीव्ड रुपीज 5000 फ्रॉम गोविंद, हमें 5000 मिले हैं गोविंद से, तो प्रोवाइडर कौन है, गोविंद, तो किसका कौन क्रेडिट होगा, गोविंद का, तो हमने गोविंद को क्रेडिट कर दिया और कैश को डेबिट कर दिया, क्योंकि रिसीवर कौन है, बिजनेस है, बिजनेस को क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट, बीइंग कैश रिसीव्ड रुपीज 5000 फ्रॉम गोविंद।
ये है हमारी दो बेसिक जर्नल एंट्री जिससे आपको समझ आएगा कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है और कैसे हम इसको पहचानते हैं और कैसे हम इसकी जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ो, जर्नल एंट्रीज प्रॉब्लम आ सकती है, आप अपने डाउट्स पूछो और डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से नोट कर लो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। पहले आप नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी रियल अकाउंट का रूल और उसकी जर्नल एंट्रीज पास करके दिखाऊंगी, आप इसको नोट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा टॉपिक पर्सनल अकाउंट का, कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है और कैसे हम इसकी जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रियल एंड नॉमिनल अकाउंट के केसेस में, जहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इन दोनों अकाउंट की जर्नल एंट्रीज को हम कैसे पास करते हैं। और उसके बाद की वीडियोस लगातार जो भी मैं अपलोड करूँगी वो उसमें मैं डिफरेंट जर्नल एंट्रीज को पास करना सिखाऊंगी, कैसे डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स के जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको कि सिर्फ पर्सनल अकाउंट रियल, आपको एक एक डेबिट नॉमिनल अकाउंट का भी दे सकता है और इन दोनों को मिसमैच करके भी दे सकता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए सब कुछ, बेसिकली एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए हर एक अकाउंट का कि डेबिट व्हाट कम्स इन का क्या मतलब बनता है, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स का, डेबिट द रिसीवर, हम कहाँ पे कब कौन से ट्रांजेक्शन में किस कौन सा अकाउंट लगाते हैं, कौन से रूल लगाते हैं। तो ये सब क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रही हूँ, बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी आए, क्योंकि अगर जनरल एंट्रीज में क्लैरिटी नहीं आएगी, यहाँ डाउट रह गया, तो पूरी अकाउंटिंग में एक क्वेश्चन मार्क, एक डाउट हमेशा आपके साथ चलेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए चलिए। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी मुझे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आई होप आपने मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक कर दिया होगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। Thank you and have a nice day.